मुझे आगे स्वयं अपनी साधना करनी है और मैं हमारा जीवन जो थोड़ा सा शेष रह गया है जल्दी ही ऊपर जाना है। हालांकि मेरा जीवन धीरे धीरे बढ़ रहा है, मगर फिर भी आप लोगों को आश्वासित करना चाहता हूं, अगर मेरे इष्ट ने फिर भी कहा तो मैं फिर एक बार तीसरी पारी खेलनी पड़ेगी, तो साधक ही साधक प्रकट होंगे, फिर मैं नहीं मानूंगा। हाँ, वो बात दूसरी है कि साधक उतनी साधना कर पाएंगे या नहीं। और कुंडलनी का शब्द इसलिए कह रहा हूँ, मनुष्य का जो शरीर जल तत्व की प्रधानता से उत्पन्न हुआ है, कुंडलनी अग्नि तत्व की प्रधानता से उसका स्वरूप विद्यमान रहता है किसी भी मनुष्य के शरीर में, यानी प्राणियों के शरीर में। जब मनुष्य अभ्यास के द्वारा आंतरिक विकास करता है तो वो कुंडलनी जागृत होकर के साधक का आंतरिक विकास होता है, अंतर्मुखी होता है। और जिस तरह से ब्रह्म से अलग होकर के स्थूल शरीर को धारण किया है, ब्रह्म उन्मुख होकर के उधर मोक्ष की ओर गति करने लगता था, ब्रह्म प्राप्ति अथवा जिसे कह सकते हैं आत्मा में स्थित होने के लिए मार्ग के लिए चल देता है। इसलिए मैं बार बार कुंडली की बात करता, जिसके शरीर में कुंडली का जागरण होकर के ऊर्ध होना शुरू हो गया उसका आंतरिक विकास निश्चित ही है और मोक्ष की ओर गति कर दिया, मतलब चल पड़ा है। एक बार अगर कुंडलनी जागृत हो गई तो प्रकृत का एक नियम है, जब भविष्य में अगले जन्म लेगा कोई भी साधक, किसी भी परिवार में हो, चाहे अच्छा परिवार मिले, कर्मों के अनुसार बुरा परिवार मिले, उसकी कुंडलनी अवश्य जागृत होगी। ये जिम्मेदारी स्वयं अपरा प्रकृति यानी प्रकट देवी की है, वैसी ही व्यवस्था कराएगी। इसीलिए मैं अपने साधकों की सबसे पहले कुंडलनी जागृत करता हूँ ताकि भविष्य में अगले जन्मों में उनका मार्ग प्रशस्त हो सके। अब रविंद्र जी, मेरा संक्षिप्त आध्यात्मिक परिचय यही है कि बचपन से ही मेरी रुचि रही है अध्यात्म में, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में। वो बात अलग है कि उस समय मुझे ज्ञात नहीं था कि ये आध्यात्मिक रुचि है, और मैं ऐसे ही बड़ा होता चला गया और तरह तरह की जो आध्यात्मिक पत्रिकाएं हैं, कुछ संतों की किताबें हैं, मेरे मार्ग में आती चली गई, लेकिन एक दिशा नहीं थी। और दिशा की तलाश, दिशा के बारे में मैं सीरियस हो गया अपने एमएससी जब मैं पास कर गया जेएनयू से, तब मैं मन में सोचने लगा कि मेरा आध्यात्मिक स्तर क्या है, मैं स्टेटस क्या है, मैं कहाँ हूँ। तो फिर मैं तब तक मैं आईआईटी कानपुर में पीएचडी में दाखिला ले चुका था, फिर मैं धीरे धीरे जैसे एक थोड़ा सा डायरेक्शन आड़े तिरछे मार्गों से जैसे एक टाइम बांध के मैं वो प्राणायाम और ध्यान वगैरह कुछ अपने आड़े तिरछे ढंग से करना शुरू किया। करीब 5-6 साल के बाद मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने गुरुजी की एक पुस्तक थी लाइब्रेरी में रखी हुई थी, उन्होंने मुझे ध्यान दिलाया कि ये भी पुस्तक, मैं बहुत सारी पुस्तक पढ़ चुका था लेकिन इनकी पुस्तक मुझे नहीं मिली थी, मैंने कि मेरे हाथ से बच कैसे गई। तो उन्होंने मैं उसी समय खोजने से चला गया, मिली नहीं उस समय, बाद में मिली और मैं एक ही फुर्सत में सारा वो दूसरी जो भाग है, दूसरा भाग है योग कैसे करें, एक योगी के अनुभव, वो मैं एक ही फुर्सत में पढ़ गया। और मैं ही नहीं, मेरे साथी दो चार थे, उन लोगों ने भी पढ़ी। फिर कुटिया में हम लोग गए गुरुदेव के दर्शन के लिए और देखा वो एड्रेस कानपुर का ही था, बोले कि बड़ा सौभाग्य। तो उस समय हम लोगों में से किसी ने कहा कि क्या आप मैंने शिष्य हम लोगों को बनाएंगे, उस समय साफ इन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बनाता। उसके बाद करीब 2-3 साल 4 साल हो गए कुछ ऐसे ही। उसके बाद मेरे मन में हुई कि क्यों नहीं एक बार मैं कहूँ, और उस समय फोन से बहुत रेगुलर तो नहीं लेकिन संपर्क में करता रहता था कुछ पूछने के लिए। तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना किया कि क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे, तो उन्होंने फिर कह दिया कि नहीं, हाँ आप करेंगे तो मैं बता सकता हूँ, आप पूछेंगे कोई समस्या है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन
वो गुरु बनने वाला या शिष्य बनाने वाला वो मैं अभी नहीं कर सकता, आप करिए मैं देखता हूँ। तो फिर मैं जैसे करता था करता रहा, और फिर करीब 8 महीने के बाद जब मैं वहाँ से पीएचडी की पढ़ाई कंप्लीट करने वाला था, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, तो उस समय बस गुरुजी का वो मूड बन गया, उन्होंने बुलाया कि आप कुटिया में आ जाएं, देखते हैं क्या हो सकता है आपके साथ। तो कुछ ऐसी आकाशवाणी भी जब प्रेरणा आई, फिर उन्होंने एक विशेष ढंग से, और बाद में जैसा गुरुदेव ने बताया विशेष ढंग का ही शक्तिपात था, सो कारण शरीर में शक्तिपात कहते हैं, और माने यूजुअली ऐसा नहीं होता, तो उन्होंने मेरे पर किया। और उस समय से मेरी काफ़ी चीज़ें आंतरिक रूप से मैं बदल गया हूँ। मैं 3 दिन तक कुटिया में रहा था, और उसके बाद ही जैसे ही मैं IIT कैंपस में आया, मुझे लगा कि मैं बदल गया हूँ, मेरी खाने की प्रवृत्ति चेंज हो चुकी थी मुझे लगा। और मैं आते ही उबले हुए, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं उबला हुआ खा सकता हूँ क्या, मैं उबला हुआ तो नहीं सोच सकता था अपने बारे में, तो मैं खाने लगा लगातार। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे में परिवर्तन आ चुकी थी। फिर उसी समय करीब 3-4 महीने के बाद उन्होंने बताया, यही जो अभी उन्होंने अभी वर्णन किया इसका, कि आपका आपके लिए ब्रह्मरंध्र खोलने की बात आई है, मेरे पूर्वजन्म के पिताजी ने ऐसा कहा है, और मैं आपके बारे में तो सोच नहीं सकता क्योंकि अभी तो आप बहुत ही अभी तो शुरुआत है। तो मैं भी अपने आप पर आश्चर्य था, मैं इतना कुछ नहीं सोचा था अपने बारे में कि मैं इस ऊंचाई को पहुंचूंगा, मैं सोचा था कि वही काफ़ी है, उन्होंने शक्तिपात किया, धीरे धीरे बढ़ूंगा। फिर करीब 1 साल के बाद फिर मैं IIT में रहना हुआ, और उस समय मेरा उन्होंने कंठ चक्र खोल दिया। उसके बाद करीब 2-3 महीने के बाद मैं कुटिया पर गया, और उस समय मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी। फिर उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद, 3-4-5 दिन हुए होंगे, बस कुटिया के प्रेजेंस में मेरा ब्रह्मरंध्र भी खुल गया। कभी पिछले बार में बताया था कि किस अजीबोगरीब ढंग से खुला था। उसके बाद जो ब्रह्मरंध्र के ये होते हैं कि काफ़ी गहरी अनुभूति होती थी, ध्यान करने से गहराई पर चला जाता था, और एक आनंद सब बना रहता था, गहराई गहराई गहराई, इच्छा करता था आंख बंद किया रहूं किया रहूं। हाँ, ये मीनू जैसे मेरे उतने मेरी क्लियर विजन नहीं होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।